समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में औरंगजेब की आत्मा बसी हुई है। जजिया कर की तर्ज पर अब वरासत टैक्स भी वसूला जाएगा, यह कहना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जो छठे चरण में होने वाले चुनाव डुमरियागंज लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार जगदम्बिका पाल के पक्ष में सिद्धार्थनगर के राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में जनसभा करने गए थे। योगी आदित्यनाथ ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील की, साथ ही विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। कार्यक्रम में आए भारी भीड़ को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मोदी जी के अगुवाई में हमने तो तमाम गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से गरीबों की सेवा तो की है, वहीं कांग्रेस और सपा के लोग जजिया कर लगाने की बात कर रहे हैं और जजिया कर के तर्ज पर वरासत टैक्स लगाएंगे। इससे जाहिर होता है कि उनके अंदर औरंगजेब की आत्मा समा गई है। वो देशवासियों के संपत्ति का सर्वे कराकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं, ये एक साजिश है। आज लोग जात की बात करते हैं जबकि हमने सभी जातियों को बराबर सम्मान दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जिले में बनने वाला मेडिकल कॉलेज है। हमने प्रदेश के माफियाओं को उल्टा लटका कर उनका जीना मुहाल कर दिया है। आज ऐसे माफिया इनके प्रत्याशी हैं जिसको गोरखपुर की जनता ने लात मारकर भगा दिया था। क्या सिद्धार्थनगर में उसे पनपने देना है? यदि ये पनप गए तो गरीबों की संपत्ति हड़पने का काम शुरू कर देंगे। सपा और माफिया का हमेशा चोली दामन का साथ रहा है। जब सपा की सरकार थी तब सपाई गुंडे गरीबों का खून चूसते थे। इनकी संवेदना गरीब के साथ नहीं है बल्कि माफियाओं के साथ है। प्रदेश का एक माफिया मरा तो मातम मनाने चले गए, हमें मौका मिला हमने करके दिखाया, रामलला को मंदिर में विराजमान कराया, देश और प्रदेश को विकास की गति दी, अब विकसित बनाने का लक्ष्य है। आज पूरे विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है। क्योंकि जनता भी जानती है कि समाजवादी पार्टी और माफिया का तो चोली दामन का संबंध है, दोनों को एक दूसरे से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। प्रदेश का हर माफिया वह समाजवादी पार्टी के साथ संबंध रखता है, समाजवादी पार्टी की उसके साथ संवेदना होती है। समाजवादी पार्टी की संवेदना गांव के लिए नहीं, गरीब के लिए नहीं, दलित के लिए नहीं है, समाज के किसी भी तबके के लिए नहीं है, बेटी और व्यापारी की सुरक्षा के लिए नहीं है। इनकी संवेदना तो माफिया के प्रति है और इसलिए माफिया के प्रति इनकी संवेदना को देखते हुए जनता जनार्दन इनको पूरी तरह खारिज कर चुकी है। यूपी न्यूज 9 के लिए सिद्धार्थनगर से ब्यूरो रिपोर्ट।